24 घंटे में इस समय जुबान पर रहता है, देवी सरस्वती का वास, सच हो जाती है कही हर बात। दिन में इस समय जुबान पर माता सरस्वती का वास होता है, इस समय कही गई हर बात सच हो जाती है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले एक बार जरूर सोचे। सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती को तीन प्रमुख देवियों के रूप में पूजा जाता है और इन तीनों देवियों में माता लक्ष्मी को धन की देवी और माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब जुबान पर माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय माता सरस्वती का जुबान पर वास होता है उस समय जुबान से निकली हुई हर बात एकदम सच साबित होती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमेशा अच्छी और सच्ची बात ही बोलनी चाहिए, क्या पता कब जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाए। साथ ही कभी किसी को बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि जुबान पर माता लक्ष्मी का वास दिन में कब कब होता है। जुबान पर कब कब बैठती है माँ सरस्वती? बता दें कि शास्त्रों में दिन के हिस्सों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटा गया है। सुबह 3 बजे के बाद को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है और इस समय से नए दिन की शुरुआत होती है। इसके अलावा सुबह 3:10 से लेकर 3:15 का समय सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय के अवधि के बीच में अगर मन में अच्छी बात बोली जाए या फिर मन में लाई जाए तो वह जरूर पूरी होती है। सुबह 3:20 से 3:40 के बीच माँ सरस्वती के जुबान पर विराजमान होती है। मान्यता है इस दौरान बोली गई कोई भी बात जरूर सच होती है, किसी के लिए ना कहें बुरा। इस समय किसी को भी बुरा भला ना कहें और ना ही कुछ ऐसा काम करें जिससे माता सरस्वती नाराज हो। देवी सरस्वती का आशीर्वाद पाना है तो किसी का अहित न सोचें। खासतौर से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को इस शुभ मुहूर्त में उठकर देवी सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। इससे देवी सरस्वती प्रसन्न होती है और हर मनोकामना पूरी करती है। इसके अलावा इस मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करने से पढ़ी हुई बातें आसानी से याद होती है। इस मंत्र का करे जा। इस शुभ मुहूर्त में उठकर छात्रों को प्रतिदिन ओम एहरी क्ली महा सरस्वती देव्य नमः माँ सरस्वती के इस लाभकारी मंत्र का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे बुद्धि में वृद्धि होती है और मानसिक विकास तेजी से होता है, इसलिए इस मंत्र का जाप सुबह इस शुभ मुहूर्त में उठकर जरूर करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।